सुप्रभात माननीय मुख्य अतिथि जनरल एसएस कार्तिकेय सेना मेरल जीओसी 57 माउंटेन डिवीजन ब्रिगेडियर एस जे तिवारी कमांडर सेनापति ब्रिगेड ऑफिसर्स जेसीओ और मेरे प्रिय वेटरन सभी सबको सुप्रभात। आज हमारा स्टेट का स्थिति अन्य समस्या होने के बावजूद भी हम सबका मनोबल ऊंचा करने के लिए अपने कीमती समय को निकाल के आज हमारे बीच में जनरल साहब जो उपस्थित हुए हैं, इसलिए हम सब पूर्व सैनिक चरचानपुर की ओर से तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज इस मंच पे हमारा जो भी समस्या हो या हमें कोई भी त्रुटि जो हमें समझ में आता है या हमें कोई भी अपना समझ करके उस चीज को हम बयान कर सकते हैं। और साहब जो है हमारे बीच में यहाँ पे जो हमारे बीच में जो आ रहे हैं जो मौजूद मतलब यहाँ पे उपस्थित हुई है, तो हम सबको ये मालूम होना चाहिए कि हम भूतपूर्व सैनिक होने के बावजूद भी हमें कोई निकारा नहीं है। बिल्कुल हमारे साथ एज अ पेरेंट्स हम सबको गाइडेंस या गाइड देने के लिए हमारा सुरक्षित करने के लिए उपस्थित है बोल करके हम उनको बार बार तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात, राम राम। अब मैं प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड चौरा चांदपुर कर्नल एनसी सित्रो साहब से निवेदन करता हूं कि हमारे चीफ गेस्ट जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल एसएस कार्तिकेय सेना मेडल साहब का अभिनंदन कर सम्मानित करें। माननीय कर्नल एनजी शीतल साहब। ब्रिगेड कमांडर 59 माउंटेन ब्रिगेड
ब्रिगेडियर एस जे तिवारी साहब से निवेदन करता हूं कि प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड माननीय ब्रिगेड कमांडर महोदय अब मैं प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड कर्नल एनजी चितल साहब से निवेदन करता हूं कि मंच में आकर अपने भव्य शब्द के माध्यम से हमारे मनोबल को बढ़ाए। माननीय प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड चुराचारपुर रेस्पेक्टेड जनरल अधिकारी जीओसी कुशल मोहन देव ब्रिगेडियर तिवारी and Veer Naris, ex-servicemen, widows or mere pyare sathiyon, aaj khushi ka din hai kyunki general sahab hum log ke beech mein aaye hain. Ye welfare ka ek rally hai jahan hum log सब ऑल रैंक्स ऑफिसर से लेकर के जवान तक कोई भी हम लोग का जो तकलीफ या मुसीबत जो हम लोग फेस करते हैं वो हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं और कोई ना कोई जवाब तो मिलने का उम्मीद है। इस रैली जो है नॉर्मली इम्फाल में साल में एक बार होता था लेकिन इस बार सिचुएशन की वजह से पहले हफ्ता में बिशनपुर में किया गया था। थैंक यू क्योंकि चुराचारपुर ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पूरा मणिपुर मिला के हम लोग का एक सर्विस मैन ज़्यादा है। वी अबाउट 6,000 एक सर्विस मैन वीर नारीस विदो और बाकी अगर आप असम राइफल्स और ये सीपीओस का गिनती करेंगे तो काफ़ी है। हम लोग का कुछ पेंडिंग डिमांड्स और ख्वाहिश है जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग का जिला सैनिक बोर्ड जो है नाम से जिला सैनिक बोर्ड पिछले 15 साल से कोई स्टाफिंग नहीं है। वहाँ पर एक ऑफिसर एक सेक्रेटरी एक क्लर्क और एक रनर का ऑथराइज है सरकार की तरफ से लेकिन मणिपुर सरकार जो है इसका स्टाफिंग नहीं कर रहा है। इसलिए हम लोग ऑफिसर जैसी और जवान वॉलंटियर के तौर पर यहाँ पर हम लोग वॉलंटियर सर्विस करके काम चला रहे हैं। दूसरा जो हम लोग कमियाँ हैं एक सी एस डी फैसिलिटीज ना होने के कारण एक सर्विसमैन को काफ़ी मुश्किल पेश होता है। अभी हम लोग डिपेंडेंट हैं असम राइफल यूनिट में। असम राइफल यूनिट जितना हो सके हम लोग को हेल्प कर रहे हैं लेकिन कुछ चीज़ है जैसे कि बिसेल लास्ट प्राइज को जो ग्रांट मिलता है दैट इज सपोज टू बी पेड इंस्टेंटली लेकिन इनका चैनल के थ्रू हम लोग डिमांड करने से इट टेक्स अबाउट ऑलमोस्ट 3 मंथ्स। तो इस टाइप का प्रॉब्लम है और हम जल साहब से दरख्वास्त करते हैं कि हम लोग का ये डिमांड जो है थोड़ा सा आगे बढ़ाए। और एक मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जनरल साहब को एक इन्फेंट्री बटालियन चुराचारपुर में पोस्ट करने के लिए। अगर एक इन्फेंट्री पल्टन अगर चुराचारपुर में हो तो हम लोग का ये छोटा मोटा जितना प्रॉब्लम है हल हो सकता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि ये एक इन्फेंट्री बटालियन चुराचारपुर में कहीं भी वेदर इज़ इन कांगवाई वेदर इज़ इन मत्ता या तो चुराचारपुर के अंदर कहीं भी पोस्ट करें तो ये हम लोग का प्रॉब्लम हल हो सकता है। बाकी हम लोग पॉलीक्लिनिक का प्रॉब्लम है। ईसीएच पॉलीक्लिनिक में हम लोग के पास ज़मीन नहीं है हम लोग के पास बिल्डिंग नहीं है। अभी हम लोग रेंट पर रह रहे हैं असम राइफल का ज़मीन पर। तो अगर हम लोग का जो ज़मीन का जो रिक्वेस्ट है कि असम राइफल का जो ज़मीन जो उसका 0.4 acres हम लोग के नाम पर हो जाए दैन सेंट्रल ईसीएच हम लोग का बिल्डिंग बना सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और जब तक लैंड जो है ईसीएच के नाम पर नहीं होगा तो
अभी भी हम लोग जो एक डिलैपिलेटेड बिल्डिंग में रहते हैं और उसको रिपेयर करते करते कर हमको काम चला रहे हैं। दूसरा एक एजुकेशन के बारे में मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ, अगर हो सका है तो एक साइनिक स्कूल या तो आर्मी स्कूल अगर चुरुचरणपुर में शुरू कर सकते हैं, दैट विल बी अ वेरी गुड वेलफेयर मेजर फॉर ऑल एक्स सर्विसमैन ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, ये जितना मैंने पॉइंट जो उठाया है ये सब जो है हम लोग स्टेशन हेडक्वार्टर के द्वारा सब पॉइंट आगे से पहले से बढ़ाया है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा जनरल साहब को, अगर ये थोड़ा सा हम लोग का प्रॉब्लम देख करके हम लोग का हेल्प करें। बाकी जितना यहाँ पर साथियों जितना आए हैं वीर नारीस खास करके, उसके बाद विदोस एक्स सर्विसमैन, थैंक यू ऑल। और टून ए पाउन झम्फर गासेंग के दिन कॉल पाओ यो यहाँ गांधी हुतान से पाई पेंशन नौ सौतान टून चाहे किसी फॉर्म ही जनरल कटिकन ही मणिपुर राम आ ही चाहे जी ओ सी हूँ ही मसंग आए थूम वे न पोसिंग है तान चाहे चू मणिपुर थू है ना है रहिन चाहे चू तो आकर गा से हों समान ऐसान पे दियो तीन कक्की ने अमीन अमात हुआ दिमानी बोल वाले रिक्वेस्ट बोल वाले कि भाव खत मांग की मुतिन तीन कक्की ने अमीन जो मणिपुर गवर्नमेंट ने यहाँ इमचाई ना सालों जो वा के यों पर्सनली चीफ मिनिस्टर पांग को की मुपिन चीफ सेक्रेटरी को की मुपिन गवर्नर का मले हाँ कपिन है वहाँ तो आकसे हो जो ही मचा वा है के चाक कहूँ पेंशन यहाँ कुम तमता है तान ई मचा अच्छे सपोर्ट से आज जी ओ सी पा हूँ पे ना है गा से ही पाकिस्तान जो उंगोटिंग ले अमा हूँ ते ले ले दिन सॉली माँ तो आज न क्यों पीते हो ले नहाने उसे हो माँ माँ जो न से दियो जो कहूँ ती में नहीं इबान से कैसे एक हमले बो माँ जन तो तुम खत इंपैक्ट हम दे ही चुका है सानोवेन तेरे न बान से कहो न फान मन लुटाओ नोंग दाना हुआ सा रेलियान हूँ पंजे न बान से सुंगा की पातू कसे नोमेन मियो से यो थिंग हांग पास ही डाल ले अन्य जो कि सेमिन अन्य लोग आ कोई मचा चे लोडिंग हटे चा हाथ हाथ खाना नेसो कह दी उसे पाई बुयों जो खट बेबी नेडिंग ये जो न पेंशन ना उसोटा सिपाही हो बुयों जो नेथे हम नेथे लोग नेहता लोग जो हिंजे जोन कोई मचा बुने वाले चे लोग जो अतुच पास ही डाला कौन से हिं तेंग ले लुंगाई सेला चाहे किसी तो वाई प्रॉब्लम में उसे उसे खाम हुआ इकी खेलने दिविन न बहुत से रखूँ तेमुन। आखिर में मैं दोबारा जनरल साहब और कमांडर से थैंक यू बोलना चाहता हूँ ताकि क्योंकि उन्होंने अपना कीमती वक्त स्पेयर करके हम लोग के साथ यहाँ पर हम लोग के बीच में आए हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद। जनरल ऑफिसर कमांडिंग 57 माउंटेन डिवीजन मेजर जनरल एसएस कार्तिके, सेना मेडल साहब से विनम्र निवेदन करता हूं कि वो हमारे वीर नारियों एवं भूतपूर्व सैनिकों को संबोधित कर उनका हौसला अफजाई करें। माननीय जनरल ऑफिसर कमांडिंग महोदय। कर्नल शीतलाव, ऑल आर वेटरन ऑफिसर्स, वीर नारीज, ऑल आर लेडीज, जय हिंद एंड चिंकाफा, दैट इज ऑल। आई होप आई हैव प्रोनाउंसड करेक्टली। इट इज माई सिंगुलर प्लेजर टू बी हेयर अमंग्स ऑल आर वेटरन्स, जो वेलकम एड्रेस में जैसा उन्होंने बोला मैं उसको दूसरी तरीके से आपको बताना चाहूँगा कि आप सभी अपना कीमती समय यहाँ पे बिताने आए, इसके लिए इंडियन आर्मी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। मैं ये तीसरी रैली है और ये मेरा दिस इज़ माय गुड फॉर्च्यून दैट आई हैव बीन एबल टू मीट आवर वेटरन्स अक्रॉस इंटायर स्टेट। वी हैड वन वेटरन रैली एट बिष्णुपुर, देन द अदर डे वी हैड वन एट सेनापति।
where we had veterans from Ukhrul, from Senapati, from Maram, and now today we are here to interact with all our veterans today. So it's really a matter of honor for me and for all of us in Indian Army to interact with our esteemed veterans. As I always say, it is you are only veterans or retired for the civil society. As far as we all men and women in uniform is concerned, you are very much part of Indian Army. You continue to be the part of the larger family of Indian Army. Your welfare is our responsibility. The rallies are basically to ensure that there are some single point contact and there are some facilities we are able to get the correct head of the offices or various like veterans, DIAV, your issues of pension, your medical issues are all taken care of. But rally is also a point of feedback for all of us. So whatever points that Kal Sitlo also just brought out, otherwise also Brigadier Tiwari keeps, because he and his battalion commanders and units are in constant touch. So I am generally aware of the problems that are being faced by all of you, and I just want to assure all of you that this is just not a rally to meet once and that's it. We will ensure that we have a feedback every 2 months. So after 2 months I'll be taking a report on whatever problems that you have during this rally which is communicated to us. We'll try and see how we can take care of it. I would like to take this opportunity to convey a few important issues that I think you all should be aware. Some of you are aware and some of you maybe because of your other things that is keeping you busy, you may not have paid that much attention. But before that, I would request all of you, you all have smartphones, so please use the digital platform to be aware of what is happening, what are the latest policies, what are the different issues at the state level and at the national level with respect to welfare of veterans. So you will, over a period of time, you will reduce your dependence. Aapko mera ye darkhast hai ki smartphone ke dwara apne ye jo hamare veterans ke portals hain, inko aap samay samay par dekh kar apni jankari ko badhaye. Usse aapko aur acche se pata lagega aur kai jagah aapke koi pay emolument agar reh jate hain usko आपके नोटिस में जल्दी आएगा, आप हमें बताएंगे, हमें उसको पूरा करने में सहूलियत होगी. एक आपका इंडियन आर्मी वेटरन पोर्टल है, ये जो डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ रीसेटलमेंट के द्वारा बनाया गया है, इसमें इस पोर्टल में 300 से ज़्यादा समस्याएं जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर्स ऑटोमेटिकली ही दिए हुए. तो इस पर अगर आप जाकर देखने की प्रयास करें, और मैंने कमांडर साहब को भी बोला है कि ये जितने पोर्टल्स हैं इनमें कैसे जाना है, किस तरह करना है, इसके बारे में भी आप सबको जानकारी देनी चाहिए. फिर दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पोर्टल है DIAV, डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन. तो इनफैक्ट इसके जो मेन ऑफिसर हैं जो इसकी देखभाल करते हैं, एक ब्रिगेडियर साहब होते हैं, उनके अंडर में बहुत सारे ऑफिसर हैं, लेकिन उनमें एक हमारे वेटरन हैं जो वन नागा के,
कर्नल मुंडियाल, तो मैं उनसे काफ़ी दिनों से टच में रहा हूँ। मैं खुद जम्मू एंड कश्मीर राइफल रेजिमेंट का हूँ, तो मेरे वेटरन्स का जो भी इशू होता है मैंने उनसे बातचीत करके काफ़ी चीज़ों को ठीक करवाया है। और यहाँ आने के बाद भी मैं, मेरे ही एक कोर्समेट हैं जो शहीद हो गए थे 1996 में, उनके परिवार से मिलने गया, उनका पीपीओ देखा, मुझे लगा इसमें कुछ गड़बड़ है। मैंने अभी उनका पूरा डॉक्यूमेंट्स वहाँ भेजा है, तो 100% इसमें काफ़ी काम हो जाएगा। और जो उनका ड्यू है उनकी वाइफ का, उनको और उनके परिवार को मिलेगा। इस क्योंकि मैंने खुद इस चीज़ को अभी किया, तो मुझे ये महसूस हुआ कि कई बार हमारे वेटरन्स को पता ही नहीं है कि उनको मिलना क्या चाहिए। तो मैंने कमांडर साहब से दरख्वास्त किया है, आपका पीपीओ देख करके रिकनसाइल करवाएंगे कि क्या आपको, अगर एलएफपी है तो एलएफपी के मुताबिक मिल रहा है, ओएफपी है तो ओएफपी के मुताबिक मिल रहा है, डिसेबिलिटी किस ग्रेड से मिल रहा है, वो सब चेक करके दो महीने बाद हम दोबारा इस चीज़ को रिकनसाइल करेंगे और फिर आपके पास आएंगे कि इतने हमने इश्यूज़ आपके ठीक करने का, ठीक कर चुके हैं या कर रहे हैं और आगे क्या होगा। आवा के अंतर्गत मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि वीर नारी और सेवानिवृत्त सैनिक को जो हमारे बीच नहीं है, उनके बच्चों को जिसमें दिव्यांग बच्चे भी शामिल हैं, उनको एजुकेशन स्कॉलरशिप क्लास 1 से लेकर प्रोफेशनल कोर्सेज तक दी जाती है। तो इसको कृपया नोट करें और उसके कितने, किस क्लास के लिए, किस एजुकेशन के लिए कौन सा भत्ता मुहैया किया जाएगा, वो हम भी आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। सो व्हेनेवर योर चिल्ड्रन आर गोइंग थ्रू एजुकेशन एंड दोज हुए पास अवे, इवन दोज हु आर वेटरन्स हुए पास अवे, देयर चिल्ड्रन विल बी प्रोवाइडेड दिस अलाउंस। एनी फैमिली विच इज फेसिंग फिनेंशियल हार्डशिप्स ऑफ विडोज डिपेंडेंट्स और दोज चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स आर वेटरन्स और वर वेटरन्स एंड दे हैव पास्ड अवे, they will be given 30,000 rupees as marriage grant for wedding. Then mobility equipment and orphan grant, इसमें जो 50,000 था mobility grant उसको बढ़ा करके अब 1,00,000 कर दिया गया। और जो बच्चे जिनके parents नहीं हैं उनके बच्चों को जो प्रतिमाह 1,000 रुपये मिलता था, अभी वो 3,000 रुपये हो। फिर जो सीरियस डिजीजेज हैं जैसे कैंसर या इस प्रकार की कोई डिजीज़ है, इसके लिए सालाना 1,25,000 रुपया की मदद राज्य सरकार द्वारा आपको दी जाएगी। शायद इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये अभी आपको 1,25,000 रुपये सीरियस डिजीज़ के लिए मुहैया कराई जाएगी। देन वी हैव मॉडिफाइड स्कूटर ग्रांट डिसेबल्ड वेटरन्स, देर विल बी दिस डिसेबिलिटी अबव 50%, तो दे विल बी गिवेन 1,00,000 रुपीज। और हाउसिंग लोन के लिए जो हमारी वॉर विडोज हैं या वॉर डिसेबल्ड या बैटल कैजुअलिटीज हैं, उनको हाउसिंग लोन के 50% जो इंटरेस्ट है वो उसको माफ किया गया। फिर जो हमारी आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन है AWPO, इसमें 1,50,000 से ज़्यादा वेटरन्स रजिस्टर्ड हैं। हो सकता है आज आपको शायद यहाँ पर इनकी ज़रूरत ना पड़ रही हो, लेकिन जैसा मैंने शुरू में आपको रिक्वेस्ट किया, आप डीजी रिसेटलमेंट के पोर्टल पे भी देखें, हो सकता है कि आपके लायक कोई ऐसा जॉब निकला है जो आपको सहूलियत हो, तो आप उसको फिर अप्लाई कर सकते हैं।
एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अभी आ रही है, और खासकर यहाँ दो वेटरन रैली में जो मैंने देखा, स्पर्श में माइग्रेशन नहीं हुआ। आप स्पर्श में अगर माइग्रेशन कर लेंगे तो आपको काफ़ी सारी सहूलियत हो जाएगी, इंक्लूडिंग योर लाइफ सर्टिफिकेट विल बी अपलोडेड एंड यू विल डोंट हैव टू देन रन अराउंड टू प्रूव योर बीइंग अलाइव एंड ऑल योर अपग्रेडेशन इन टर्म्स ऑफ पे कमीशन, इन टर्म्स ऑफ पेंशन, योर इंटायर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल एट अ क्लिक ऑफ ए बटन। सो एट दिस यू हैव टू गो थ्रू DIAV, देर आर वेबसाइट्स DIAV के थ्रू, उसके सब लिंक हैं, उससे आप जाएं और उसके बाद आप स्पर्श में, जस्ट इफ आई मे नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव माइग्रेटेड टू स्पर्श, प्लीज रेज योर हैंड। जिन लोगों ने स्पर्श में मूव कर गए हैं हाथ खड़ा करें। तो काफी लोगों ने, थैंक यू, काफी लोगों ने किया है, और शायद कई लोगों को पता नहीं है या अभी शायद नहीं किया है। एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट देयर हैज बीन सम प्रॉब्लम्स आल्सो हियर बिकॉज ऑफ विच यू मे नॉट हैव। ये जो दो महीने बाद हम मिलेंगे तो उस टाइम तक हम देखेंगे आज अभी कितने लोगों ने स्पर्श में ऑलरेडी माइग्रेटेड है और आगे हम कैसे कर सकते हैं। ये कर्नल सितलाव ने भी कुछ पॉइंट्स जैसे दिए, जिसमें जिला सैनिक बोर्ड चूरा चांदपुर, ये अडॉक बेसिस पे जो आप कर रहे हैं एंड ADLR, इसके लिए हम तुरंत कुछ न कुछ करने का प्रावधान करेंगे। ट्राई एंड एमोलरिएट most of the issues that have been flagged by Colonel Siplau, and whatever you bring it out during our interaction when we meet. I also wish to take this opportunity to thank each one of you for in whatever way, under the constraints and situation that has evolved here, you are one of the last bastion of not the Manipur state but India as a nation. We all the common strand that run through our society is that unity in diversity, which is best displayed by Indian Army, and our veterans have continued to express their oneness through different means. I don't want to elaborate on that, but I thank each one of you for standing tall in these trying times, and I hope and I am quite certain that in times to come there is nothing, anything, it is a basic law of nature, there is nothing permanent, anything which reaches its apex, its top, has to come down. You will be the ones who will again bring peace to this state sooner or later. Once again I thank all officers, JCOs, all jawans, veterans, our veer naris, ladies, for coming here in large strength and making this event a success. And I again assure you, this event will just be a platform to take your problems, to take our interaction further. And at the end I wish to congratulate Brigadier Tiwari and his team of officers, in spite of the constraints that we have because of our operational dynamics, the formation has executed 3 very good ex-servicemen rally at 3 different places. So thank you very much and Jai Hind. निवेदन करता हूं कि हमारे गैलेंटी अवार्डेड और वीर नारियों का अभिनंदन कर उन्हें सम्मानित करें। कौन सा यूनिट है? सिक्स है सर। कहाँ मिला छोड़ चक्र?
लड़कों को मार गिराया। बस हालेलुया। आगे बढ़ाते हुए हमारी अगली पेशकश है रंगारंग प्रोग्राम। रंगारंग प्रोग्राम की श्रृंखला में पहली प्रस्तुति स्टोन हॉल पब्लिक स्कूल यू लमका के बाल कलाकारों के द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। From Eastern Hall, I'm Felicia from Eastern Hall, and my friend would like to present all of you a special item. Hope you enjoy. Hello, friends. Hi. Today we'll learn about good manners. Come one by one and tell me about good manners. Okay. Your mouth when you sneeze or cough. Use tissue and wash your hair. Don't forget the magic wand. Thank you. Sorry. Please. Wait your turn and be on time. Listen when Anna starts. Now we will all say together.
नन्हे मुन्ने बाल कलाकारों ने अपनी कला के द्वारा गुड मैनर शीर्षक को दर्शाया, जिसके लिए जोरदार तालियां। रंगारंग प्रोग्राम की श्रृंखला में दूसरी प्रस्तुति गवर्नमेंट कॉलेज चोरा चांदपुर के स्टूडेंट आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। समुदाय के लोग किस प्रकार से धान की फसल को तैयार करते हैं और फिर उसे काटते हैं, इसी का अभिनय आपके सामने नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। Baby, what do you need?
छात्रों के दराया पर बेहतरीन प्रस्तुति दिखाई गई, जिसके लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। रंगारंग प्रोग्राम की श्रृंखला में अगली प्रस्तुति मुफाई तंपक के कलाकारों के द्वारा पेश किया जाएगा, जो कि एक चिराव नृत्य है। चिराव नृत्य एक पारंपरिक नृत्य है जो मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड के कुकी और मिजो लोगों के द्वारा किया जाता है। Oh,
रंगारंग प्रोग्राम की श्रृंखला में आखिरी प्रस्तुति पाइप बैंड डिस्प्ले है, जिसका नेतृत्व नए सुबदार चरणजीत साहब कर रहे हैं। अभी हमारे बहादुर सैनिकों ने आले दर्जे के डिसिप्लिन और उच्च कोटि का कोऑर्डिनेशन दिखाते हुए एक अच्छी टीम वर्क की भावना को प्रदर्शित किया, जिसके लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। आज इस समय बोरो फ्रेंड्स के वास्ते मुझे मुकर्रर किया गया है, तो मैं अपना वोट ऑफ थैंक्स देने से पहले अपना थोड़ा सा परिचय करना चाहता हूँ। मेरा नाम है ऑनरी कैप्टन के लुमशल अनाल। मैं 1971 में अटारी बॉर्डर में 71 की लड़ाई वहाँ से लड़ा है, और मेरा बटालियन का काफ़ी किस्मत है फोर आसाम का। वहाँ पे हमारा एक कैप्टन मोहन वीर चक्र प्राप्त हुआ, और कैप्टन जोनजामा सेना मेडल, और कैप्टन सुबेदार कैप्टुगिन वो है सेना मेडल। तो इसी प्रकार से 71 की लड़ाई में मैं कुछ नहीं मिला, फिर भी हम शामिल हो गए, बहुत खुश हो। हमारा बटालियन फोर आसाम था, और 38 ब्रिगेड में थे हम लोग, और 50 जीत का अंदर में लड़ाई हुआ।
है। उसके बाद मैं सेवन असम राइजिंग करने आया 1976 में, सेवन असम राइजिंग किया। उसके बाद अच्छा किस्मत लगा कि फिर हम विदेश में श्रीलंका में पीस कीपिंग फोर्स के लिए गया है। उस टाइम तक मैं नायब सूबेदार बन गया था। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं मिला तो कुछ नहीं है इंडिविजुअल, लेकिन जहाँ जहाँ कदम रखा वहाँ वहाँ वीर प्राप्त हुआ। तो वहाँ पे महावीर चक्र श्रीलंका में लेफ्टिनेंट संधु साहब को प्राप्त हुआ, और वीर चक्र नायब सूबेदार कमकुलम जो अभी इनका निश्चित यहाँ बैठा है। इस प्रकार से जहाँ पे हम नौकरी किया वहाँ पर हम हमारा बटालियन भी प्राप्त हुआ। इसलिए बहुत खुशी है कि आज इतना साल नौकरी करके उधर इधर भटक के आने के बावजूद भी अभी तक मैं यहाँ आप लोगों के सामने में खड़े होने का अवसर मिला है। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जहाँ आज हमारा मनोबल बढ़ाने के वास्ते हमारा 57 बॉन्डिंग द्वीप का जीओसी साहब आया है, और 59 का ब्रिगेडियर साहब आया है, और उसके अलावा जितने भी एक सर्विसमैन है और वीर विधवा और वीर नारी, अब लोग यहाँ पे अपना समय निकाल कर सब एकत्रित हुआ है। ये बहुत खुशी की बात है। ये हमेशा हम लोग का एक कहावत बोलेगा ऐसे माफिक हम लोग गौरव थैंक्स वेलकम सो ऐसे कुछ करते हैं। तो इसके अलावा तो मैं अपने दिल से ही आज मैं गौरव थैंक्स देना चाहता हूँ, क्योंकि ये वर्दी वालों को देखने से मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी यंग बन गया हूँ ऐसा लगता है। और हमारा कहना बोलने में अभी तक कम नहीं है, आवाज़ बहुत ऊंचा बोलता हूँ, और आज भी सब लोग को देख करके बहुत खुश हुआ है। और जहाँ तक खेल है जितने भी एक सर्विसमैन है और जितने भी मैन सब लोग आए हैं बहुत खुशी हुआ होगा सबका साथ रहते हुए, और नौकरी में सब लोग के साथ जवानों के साथ रहते हुए कैसा महसूस हुआ था और आज किस प्रकार से लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है, ये हर एक आदमी ने अपने मन से ही बहुत बहुत धन्यवाद दिया होगा। नेक्स्ट में है कि हम लोग आज का दिन में हमारा बीच में जो उपस्थित हुआ साहब लोग हैं, उन्होंने जो भी कुछ हमारा वास्ते कहा है इसको हम लोग एक एक आदमी अपना अमल करेगा। अपना पेंशन के वास्ते अपना विधवा लोग का कोई कमी चीज़ है तो उसके वास्ते हर एक अगल बगल लोग पूरा ध्यान देने में बहुत अच्छा रहेगा। बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आज हमारे बीच में जो मेडिकल टीम आया है और बैंक पार्टी आए हैं, उसके अलावा असम रेजिमेंट का रिपोर्ट का सब लोग आया है, और बाकी पलटन के भी सब जगह में हम लोगों ने अपना अपना कमियां अपना अपना डॉक्यूमेंट को ठीक करने का अवसर मिला है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अंत में फिर ये डांस करने वाला पार्टी बहुत खुशी की बात है, अपना इतना कम समय होने के बावजूद भी हमारा बीच में आके हमारा मनोरंजन के वास्ते हमारा साथ साथ में ये मनोरंजन कार्यक्रम किया है। बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। अंत में विशेष करके 16 कुमाऊँ जो पिछले बार भी इस जगह में इन्होंने इस प्रकार से अरेंजमेंट किया गया था, तो विशेष करके मैं कमान ऑफिसर कर्नल सूरज साहब है उनको धन्यवाद कहना चाहता हूँ, और साथ ही बाकी ऑफिसर साहिबान जो असम राइफल कमान ऑफिसर लुक से आया है
और जितने भी यहाँ जैसे साहिबान हैं और जवान लोग हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफलता होने के वास्ते ये अरेंजमेंट किया गया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। असम रेजिमेंट में होने से तो तगड़ा रहो बोलना था, हो सकता है एक बार तगड़ा रहो। थैंक यू। हाफिज साहब, आज मेरे को एक जिम्मेवारी दिया गया है कि बदलू राम का बदन को थोड़ा हाइट कर, थोड़ा रोशन करने के वास्ते। ओके ओके। तो ये बदलू राम का बदन जमीन के नीचे है बोल के हम लोग गाते हैं, तो गाना का और या गाना का कुछ मकसद तो है। इसका एक दो शब्द कहना चाहता हूँ, तो गाता है खत्म हो जाता नहीं, उसका मकसद है। 1941 में जब असम रेजिमेंट राइजिंग हुआ था असम राइफल के द्वारा, तो उस समय में साथ ही साथ सेकेंड वॉल में चला गया, तो लड़ाई में तनाव हो गया, अलग अलग जगह में हो गया। तो उस समय में बदलू राम बोल के एक सिपाही था, वो कोई एक जगह में था और सब कंपनी अलग अलग टुकड़ी टुकड़ी में बटा हुआ था। तो ऐसे ही ऑर्डर मास्टर ने प्रेजिन लगाता था, तो बदलू राम जो है गुजर चुका है, मर चुका है। वो ठीक है, नहीं गाड़ी तो करेगा नहीं, बिना मतलब से नहीं होगा। इसलिए तो बदलू राम का रसन को कंपनी वाले ने खाया, तो ये बदलू राम का नाम से गाना बनाया गया है। तो इसलिए मैं अपना जो असम रेजिमेंट का साहिबान लोग से निवेदन करेगा कि अपने अपने जगह में खड़े होगा, और जो भी मैन साहब लोग हैं वो भी खड़े होगा। ये हमारा असम रेजिमेंट में बरखाना का अंत में गाता है, तो इसके लिए थोड़ा आप लोग कष्ट करें खड़े होने में। और जो साहिबान है वो सब खड़े हो गए, नहीं ऐसा करेगा, बाकी लोग बैठो, नैन साहब लोग, साहब लोग बैठो, हमारा जो साहिबान लोग है वो खड़े हो जाए प्लीज अपना अपना जगह में। पूरा वन लाइन फुल गाएगा। प्ले कर दो, प्ले कर दो। बलूराम का वजन जो है कंप्लीट फुल एक लाइन गाएगा, दूसरे में बलूराम का वजन जमीन के नीचे है, बलूराम का वजन जमीन के नीचे है, बलूराम का वजन जमीन के नीचे है, हमने उसका सन मिला है।
अच्छा, वो तो छाड़ मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं हम लोग, अक्षय कुमार ओके सकल।